सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और वही अगर बात करें तो चारों तरफ आपने किसान खड़े दिखेंगे, उधर ट्रेली ट्रैक्टर भी डा रखे हैं और जो टोहाना से रतिया रोड है तो जाम कर दिया गया है, तो इनको पूछेंगे कि क्या समस्या है और जाम क्यों लगा रखा है। राम राम जी। राम राम बेबे। कौन सी मंडी है जी? जमालपुर मंडी। जमालपुर मंडी। हाँ। तो जाम लगाने का क्या कारण है बेबे? एक तारीख ने देरी आई थी। एक तारीख ने? एक ने गेट रखी है और इतनी कोई व्यापारी नहीं आता, एडा कुछ नहीं आता। अच्छा। 9 तारीख होगी। 9 तारीख। मतलब जो किसान का सोना है वो खराब होने लग रहा है? खराब कोई नहीं, राख हो रही है। राख हो रही है। राख हो रही है। इसका कारण तो जी क्या मामला है पूरा, और कितने देर से जाम लगा रहे हो? 17 दिन हो गए जी बैठे ने मंडी में। 17 दिन। 17 दिन घर के बोल गए अगर ना आई मंडी में रह जाए। नाम क्या जी आपका? सचिन। कौन से गांव से हो? जमालपुर से। कहां? अच्छा आप बताओ। कोई आड़त नहीं परचेज कर रहा, दे दे 1700, दे दे 1800 ने, दे दे 1200 ने, बोल किस तरह के करिए। नब्बे हजार बैठे कब ले रखी है, फिर वो मोचर कटा जाए। जमीन ले रखी 90,000 में? हाँ हाँ, फिर वो मोचर कटा बग जाए 1700-1800 में लेके। आड़ती कर रहे हैं बात है। हाँ, आड़ती कर रहे हैं। 16 है रेट, 16-17 है रेट लाना। मैं जिम्मेदार खावा फांसी, फांसी खावागा पूरा नहीं हो रहा होगा उसका तो ठेका तो रहेगा न्यू का न्यू, करता रहेगा न्यारा, वो तो फांसी खावागा और क्या करेगा। उसकी तो बतीन माटी होगी जो सी होनी थी, इसके ऊपर के होगी। मैं हमने एक बात कही थी भाई, मारिश का ये कहें भाई 17 मोहतर में डेरी बिक जाएगी। मारिश जितनी डेरी मंडी में आ रही है, 17 मोहतर की डेरी ना डेली चेक करो और डेली भरे जाओ। मैं एक यहाँ मांगता बैठे हैं, इतना नहीं लगते ना मैं यू जाम ना खोलन देंगे, चाहे मैं ना छह बीनने लग जियो। ये भी जो जाम है कितने घंटे से लगा रखा है? यू 1:30 बजे लगाया था नेट। 1:30 बजे जाम लगा दिया था। हाँ 1:30 लगा दिया था। ईब रोटी राटियां प्रबंध लग रहा कर, लाखड़ दुखड़ पाड़न लग गए भाई, रोटी पानी कर जाओ अपना, शाम ने तो ऐडे रहना पड़ेगा रोड पर। जाम लगाने के बाद कोई प्रशासन अधिकारी आपको मार लो नहीं आंदा कोई? मारी मांगा भाई, एक तो एसडी में का बात करो सीधी। अच्छा। एक ऐडे बैठे हैं गंदे गंदे है, मेरे ख्याल मार्केट कमेटी वाले हो गए। मार्केट कमेटी वाले के कड़ा है उन्हें कुछ नहीं बोला। मैं मारा हम उत्तर हा कुया तो अंधेरा में जामेंगे, इतने इतने घटेंगे हाथ। अच्छा। अरे एक काम कर ले, एक मुट्ठी भर ले बैठता है, एक थाली कट ले और दवाई लगा लिया मशीन में ज्यादा। हाँ भाई तला की भी और ऊपर की भी दो मिलिया उन्हें मशीन में गलते थाली में का बोले 19 आ गया मैं तेरी के फिर मैं बोला 19 आ गया ये बात है रोते देखिए पैर मैं छाले पड़ के जीर का मैं खड़े खड़े आना है इतने तंग तंग हो रहे हैं। एक दो मरा भी गार्ड है मरागा एक दो। अच्छा। हम मरागा और क्या पूरी नहीं होगी फसल की मरागा और क्या फांसी भी खावेंगे इन रुखा का ये बता रहे सरकार ने इनका रुखा फांसी भी खावेंगे समैन का सुरेंद्र मेरी 40 किले जीरी आप जी। अभी आपने बात किया जी इनसे कितने किलो जीरी से मतलब नहीं है जी, सभी जमींदार भाई है, चाहिए 1 किला हो चाहिए 100 किला हो और चाहिए जिसके पास 1 कनाल हो, सभी जमींदार भाई है जी आपस में, ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं अभी 1 की 2 किले गिरे की 50 किले पड़ी तो उससे मतलब। मेरा नाम अमित कुमार है जी, गाँव पारता है जी, ठीक है। मान लो 27 तारीख से सरकार ने परचेज चालू कर रखी जी, 27 की आज तारीख होगी जी 9, अभी मैंने रजिस्टर चेक किया जी, उस रजिस्टर में सारी 400-500 क्विंटल धान खरीद रखे जी, बताओ। अब वो चेक करता है जो मोचर है, एक बंदा जी मंडी में डेरी आ रही है 1000, वो दिन में ज्यादा से ज्यादा 20 डेरी कर देगा जी, इतना 20 डेरी हो राजा जमींदार की। अब बताओ तो फिर लास्ट में जो जमींदार बैठे उसको तो नंबर ही को नहीं आया। अब फिलहाल मांग के है 1:30 बजे मैंने यहाँ सेक्टरी बैठा जी, मैंने आपकी ड्यूटी किस टाइम स्टार्ट होती है? बोलो 9 बजे स्टार्ट होती है जी। मैंने मेरे फोन में टाइम क्यों रहे भाई साहब, मैंने कम दिखा है आंख में, कल दुआई पड़ गई, ठीक है। आप बोलो 1:30 बज रहे जी, मैं 1:30 बज रहे भाई साहब है, सरकार गवर्नमेंट पैसे दे रही है, जमींदार आप तंग हो रहे हैं, आप खरीद चलू क्यों नहीं कर रहे? बोलो कर देंगे नू के कोई किसी के ऊपर चढ़ा जावा है, बताओ आगे से वर्ल्ड देखो उसके। फिर हमने जाम लगाया जी, फिर वो सेक्ट्री आया, दूसरा कोई और सेक्ट्री बड़ा है पता नहीं, मैंने फिर पूछा भी ये कौन है, बोलिए मेरे से नीचे है वो है। अब वो उन्होंने खरीद चालू करवाई जी, 4:30 बजे खरीद चालू करी जी, 5 बजे उनका टाइम पूरा हो जाएगा जी,
चार डेरी मार का वो इतना चार डेरी आगे और आके पड़ जाये फिर लास्ट में जो सौर लोग कोने पे बैठे तो बैठे रह जाएगा टाइम हो गया जी। अब क्या है सेक्रेटरी और जो है ना मिलर्स जो खरीद रहे हैं वो मिलों वालों के साथ मिले हुए हैं जी, वो उनको 50,000 रुपये देते थे सेक्रेटरी के काम मंडी में फिरेगा जी धूप में पैसे मिल गए उसने वो 1700 में 1800 में खरीदवा हुआ जी उसके मिल लड़ा के जान लग रही है सरकार के लिए 2300-2500 रुपये अब उसके 600 रुपये बच गए 600 में से वो 600 रुपये में से वो 200 रुपये क्विंटल के सेक्रेटरी देते तो सेक्रेटरी भी बच गया और वो भी बच गया मारे कौन गए किसान मारे गए जी। नंबर पहली बात तो मालिक ने मार दिए जी क्या मालक बरसिया को नहीं वह जीरी जोन से 70 मन किला में करती 40 मन हो जी और ऊपर वो भाव मार दियो जमींदार की टूट गई ठेका की जमीन है जी पहला स्प्रे करती 400 रुपया लीटर की आप 3000 रुपया लीटर किला में 4000 की दवाई एक बार में पड़े पाएंगे तो जमींदार की कड़ खुद गई। तो फिलहाल मांग की है किसान मांग मारी है जी प्रत्येक जगह वो मोटर चेक करा पे 8-10 मशीन लिया होगा चेक कर दो क्यों पहला धान तो रुक रहे मंडी में और मंडी में तो एक बार तो पूरा लिमिट से बाहर हो रहा है धान तो अब वो 3-3 डेरिया मोचर मारा तो कब मारेगा जी वो मोचर वाली मशीन बढ़ाओ मंडी में तुरंत मंडी को कवर करो। अब मंडी मतलब जीरी की भर्री है पूरी भर्री है जी मायन है अब सेक्रेटरी साहब का तो घर चल रहा है एसी जी पूरे घर का बहन तो रीस का बोले 15 दिन है क्या काम मोजगा तक तो बोले मंडी में बैठे जी ठीक है पीड़ना पूरे पानी को चलो कैंपर खाली दिखा दूंगा अभी कैंपर खाली दिखा दू जी आपने पीड़ना पानी को जी घर का काट है गाड़ बोले मंडी में बैठे मजा लिया बोलियो ठीक है घर का नू बेरो को नहीं मच्छर खावा टेट बैठा को तो कपड़ा खोल दिखा दे जमींदार इतना मोड़ा दफड़ हो रहा है जी मच्छर खा खा पूरे मंडी में सेक्रेटरी जोर के आवाज सेक्रेटरी तो घर एसी में सुती है तो अब प्रशासनिक अधिकारी कोई पहुंचे कोई को नहीं जी वो सेक्रेटरी भी तंबू तला बैठे बात करो अभी बन जा रहे इतना जमींदार देखे जी अभी जा रहा 4-5 डेरिया हाथ मरार वो करे वीर जी गाड़ी में चढ़ फोन करा फोन चका को नहीं बताओ तो मतलब ये जो जाम है ये देखो जी एसडीएम तो आना एसडीएम है ना जी सरकार ने नंबर क्यों दे रखे उसको पब्लिक की समस्या सुनने के लिए दे रखे एसडीएम को एसडीएम को 2-54 पे मैंने फोन किया जी एसडीएम टोहाना को ठीक है 2-1 पे मैंने फोन किया जी 10 बार में मेरे नंबर से आप अभी जाके एसडीएम का फोन चेक कर लो जी मैंने 50 मिस कॉल मार दिए एसडीएम फोन ही नहीं उठा रहे एसडीएम को क्यों सरकार ने बिठा रखा है कुर्सी पे क्यों जमींदारों की समस्या पब्लिक की समस्या सुनने के लिए बिठा रखा है पब्लिक की समस्या ही सुन ही नहीं रहा था उसको बिठाने का फायदा क्या है फिर तो पब्लिक ऐसे टक्कर मारती मर पोकरा की उसको तनखा क्यों दे रहे हैं 1,00,000 रुपए। तो फिलहाल जो जाम है न्यू जारी रहेगा जाम न्यू जारी रहेगा जी सुबह हम केंची चौक है जो वहां भी जाम लगाओ जी सारे जमींदार गांवों में सूचना होगी सब जमींदार वहां होंगे जी पूरा जबरदस्त जाम लगाओगे जब तक हमारी मांग मंडी को तुरंत कवर नहीं किया जाएगा तब तक हम जाम कौन खोलना जी। तो भाई फिलहाल अगर बात करें तो टोहाना तृतीया रोड है जो जाम कर दिया जमालपुर मंडी है जमालपुर मंडी है ना जमालपुर मंडी तो यह है जो पूरी जीरी की बताओ कि भरी खड़ी है बाकी तस्वीरें भी आपने दिखा देंगे और अगर अधिकारिया की बात करें तो अधिकारिया द्वारा फोन बिल्कुल नहीं उठाए जा रहे हैं तो भाई इन तस्वीरों ने शेयर कर दो ताकि अधिकारी फोन तो नहीं आ रहे लेकिन फोन में जो देखने लग रहे हैं वे उन तस्वीरों ने उड़ी थी पचा दे और जो किसान दुखी हो रहे हैं जो 90,000 में ठेका ले रहे हैं किल्या का जो 90,000 में ठेका ले रहे हैं किल्या का और खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा तो परेशान होकर इन किसानों ने जब आ रहे रोड जाम कराया है तो भाई फटाफट तस्वीरों ने शेयर मार दो ताकि इनका समाधान हो जाए फिर मिलेंगे जय।